Hello students, we are continuing with pre-formulation studies. In the previous lecture we have studied two chemical properties, hydrolysis and oxidation. Today we will be discussing racemization. आपने शायद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में racemization पढ़ा होगा, उसी को हम डिस्कस करेंगे आज. What is racemization? When an optical substance loses its optical activity and it gets transformed into an equal mixture of both possible enantiomers. The process of this transformation is called as racemization, and the mixture which is formed is called as a racemic mixture. और इस transformation के दौरान जो भी हमारा optical substance है उसके chemical composition में कोई change नहीं आता. तो जो एक ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है वो कन्वर्ट हो रहा है ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस में. वो अपनी ऑप्टिकल एक्टिविटी लूज कर रहा है और एक मिक्सचर बन रहा है. उस मिक्सचर के अंदर इक्वल अमाउंट में आपके इनेंशियोमर्स प्रेजेंट है. इस प्रोसेस को कहते हैं रेसिमाइजेशन, और जो मिक्सचर बनता है उसे हम कहते हैं रेसिमिक मिक्सचर. नाउ द इनेंशियोमर्स व्हिच आर फॉर्मड इन द रेसिमिक मिक्सचर्स आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस. इट मीन्स ऐसी मिरर इमेजेस हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो सकती. दीज आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस. नाउ अब जो दो एनेंशियोमर्स बनते हैं उसमें आप दो नाम होते हैं, वन इज लिवो रोटेटरी एंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी. इसको हम लिवो को आर भी लिख सकते हैं या उसको माइनस के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं. डेक्स्ट्रो वी कैन रिप्रेजेंट एज एस और प्लस साइन. तो इसको आप याद कर सकते हैं कि माइनस मीन्स लिवोरेटरी, प्लस मीन्स डेक्स्ट्रोरेटरी, और कई बार लिवो को आर और डेक्स्ट्रो को एस भी लिखा जाता है. ठीक है. नाउ द डेक्स्ट्रो फॉर्म रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट इन द राइट डायरेक्शन, वेयर एज द लिवो फॉर्म रोटेट्स द प्लेन पोलराइज लाइट इन द लेफ्ट डायरेक्शन. और जब अपोजिट डायरेक्शन में लाइट को रोटेट कर रहे हैं तो जो नल इफेक्ट आता है वो जीरो आता है. इसलिए जो मिक्सचर बनता है उसकी कोई ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होती. अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि हम यहाँ पर इंडस्ट्रियल फार्मेसी में ये सारी कहानी क्यों पढ़ रहे हैं और क्यों समझने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है. व्हाई? बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द फॉर्मुलेशन. फॉर्मुलेशन की स्टेबिलिटी में इसका इंपॉर्टेंस है. कहाँ इंपॉर्टेंस है? इंपॉर्टेंस ये है कि जो ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन है इट्स वेरी हाईली स्टीरियो स्पेसिफिक. यू माइट हैव स्टडीड फार्माकोलॉजी अबाउट ड्रग, अबाउट रिसेप्टर्स, अबाउट द इंटरेक्शन. तो यहां इसका मतलब ये है कि जो ड्रग और रिसेप्टर का इंटरेक्शन होता है इट इज वेरी स्टीरियो स्पेसिफिक. इट मीन्स इट इज हाईली स्पेसिफिक टू द स्ट्रक्चर ऑफ द रिसेप्टर एज वेल एज द स्ट्रक्चर ऑफ द ड्रग. अब जो हमारा रेसिमिक मिक्सचर बन रहा है, जरूरी नहीं है कि उसमें जो डेक्स्ट्रो फॉर्म एक्टिविटी शो कर रहा है वही उसका लिवो फॉर्म शो करे. हो सकता है कि लिवो फॉर्म की जो एक्टिविटी है वो ज्यादा हो, क्योंकि सारी जो चीज बेस्ड है वो ड्रग के स्ट्रक्चर पे बेस्ड है और कैसे वो बाइंड कर रही है रिसेप्टर पे. तो क्या होता है, बिकॉज ऑफ दिस रेसिमाइजेशन इट लीड्स टू चेंज इन द एडीएमई, दैट इज एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबॉलिज्म एक्सक्रीशन, एज वेल इट कैन चेंज द टॉक्सिसिटी एज वेल एज द पोटेंसी ऑफ द ड्रग. इसीलिए हम प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज में स्टडी करते हैं रेसिमाइजेशन. क्या हमारा जो ड्रग है वो रेसिमिक मिक्सचर तो नहीं है? अगर है तो उसमें कौन सी फॉर्म ज्यादा एक्टिव है, लिवो फॉर्म या डेक्स्ट्रो फॉर्म. अब होता क्या है, जब हम रेसिमिक मिक्सचर बन जाता है तो उसमें कई सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती है. फर्स्ट इज दोनों फॉर्म्स में वन इज एक्टिव अदर इज इनएक्टिव. लिवो फॉर्म एक्टिव हो सकती है, डेक्स्ट्रो आपकी इनएक्टिव हो सकती है. सेकंड पॉसिबिलिटी होगी वन इज बेनिफिशियल द अदर मे हैव सम एडवर्स इफेक्ट्स. ये हो सकता है कि एक इनेंशियोमर बहुत अच्छे इफेक्ट शो कर रहा है, दूसरा उसका एडवर्स इफेक्ट शो कर रहा है. एंड थर्ड पॉसिबिलिटी इज द एंटायरली डिफरेंट थेरेप्यूटिक पॉसिबिलिटी. यानी दो जो इनेंशियोमर्स हैं दोनों की बिल्कुल विपरीत थेरेप्यूटिक प्रॉपर्टीज हैं. तो ये कुछ पॉसिबिलिटीज हैं जो कि रेसिमिक मिक्सचर शो कर सकते हैं. नाउ इनके कुछ एग्जांपल्स हैं, लाइक माइनस साइन मींस लिवो फॉर्म. द लिवो फॉर्म
isocyanin is twice active as atropine. Atropine is the racemic mixture. It consists of both plus and minus, both dextro and levo. And this mixture से ज्यादा जो उसकी लीवो फॉर्म है आयोसैनिन दैट इज ट्वाइस एक्टिव, उसकी एक्टिविटी टू टाइम्स ज्यादा है. सिमिलरली द लीवो फॉर्म ऑफ एड्रेनालिन इज ट्वाइस पोटेंट एज द रेसमिक मिक्सचर. तो वो पोटेंसी है वो दो गुनी ज्यादा है. ये कुछ एग्जांपल्स. इसके अलावा मार्केट में आपने बहुत से प्रोडक्ट्स देखे होंगे जो कि अवेलेबल है. इस साइड में आपके दिखाई दे रहे हैं सिंगल एंश्योमर्स and their racemic mixtures, like we have levocetirizine. ये levo form है किसका, उसका racemic mixture है आपका cetirizine. Similarly, levofloxacin is a levo form of ofloxacin and is omeprazole is the levo form of omeprazole. So now we will continue with the next topic, that is polymerization. Okay, the next chemical property which we have to study is polymerization. What is polymerization? It's the reaction of the monomers, molecules, during a chemical reaction to form a polymer chain or a three-dimensional network. Now, यहाँ हम क्यों पढ़ रहे हैं? Pre-formulation में कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे substances जिनका किसी भी कारण से polymerization हो जाए और वो हमारा जो final product बन रहा है वो किसी तरीके से वो डिस्टर्ब हो जाए, डिग्रेड होने लगे, उसकी फिजिकल अपीयरेंस ऑल्टर हो जाए, तो उस चीज को ध्यान में रखने के लिए हमें पॉलीमराइजेशन पढ़ना पड़ता है. ठीक है. नाउ देयर आर सम एग्जांपल्स. द फर्स्ट एग्जांपल इज द डेक्सट्रोज इंजेक्शन. व्हेन इट इज स्टरलाइज्ड बाय ऑटोक्लेविंग इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू 5-hydroxyperfluorine व्हिच गेट्स पॉलीमराइज्ड एंड फॉर्म्स अ डार्क सॉल्यूशन. तो इंजेक्शन क्लियर होना चाहिए. अगर वो डार्क सॉल्यूशन बन रहा है इट मींस उसका फिजिकल अपीयरेंस प्रॉपर नहीं है, इट विल नॉट बी एक्सेप्टेड. ये एग्जांपल हुआ. सेकंड एग्जांपल इज एड्रेनालिन. द एसिडिक सॉल्यूशन आफ्टर ऑक्सीडेशन इट फॉर्म्स एड्रेनोक्रोम एंड दिस गेट पॉलीमराइज एंड ब्लैक ब्राउन पिगमेंट इज फॉर्म. सो अगेन फॉर्मेशन ऑफ पिगमेंट इज disturbance in the physical stability of any formulation, it will not be accepted. And one important example is of shellac. Shellac is used for coating the tablets. Tablet ko coat karne ke liye shellac ko use kiya jata hai. On aging, it get polymerized. On aging means tablets jab lambe samay tak rakhi hui hain, aging means unki umar badhti ja rahi hai. तो क्या होता है, शेलिक पॉलीमराइज हो जाता है. आफ्टर पॉलीमराइजेशन शेलिक गेट समवॉट हार्ड इन नेचर एंड बिकॉज ऑफ इट इट प्रोलॉन्ग द डिसइंटीग्रेशन एंड द डिसोल्यूशन टाइम. डिसइंटीग्रेशन मींस टैबलेट को स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक होना होता है, दैट इज डिसइंटीग्रेशन. उसके बाद जब वो सॉल्यूशन फॉर्म में जा रही है दैट इज डिसोल्यूशन. अब जब कोटिंग थोड़ी हार्ड हो जाएगी, थिक हो जाएगी, तो जो डिसइंटीग्रेशन टाइम है और डिसोल्यूशन टाइम है वो बढ़ने लगेगा. तो इसलिए जब अगर हम कोई ऐसा कोटिंग मटेरियल यूज कर रहे हैं तो हमें पहले स्टडी करना है कि उसमें कोई ऐसा चांसेस तो नहीं पॉलीमराइजेशन के, एजिंग के बाद या किसी स्टोरेज के दौरान वो पॉलीमराइज हो जाए और हमारे जो हमने जिस पर्पज के लिए टैबलेट को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जिसको इंटेंडेड यूज है उसका, वो डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा है. तो इसी कारण से वी स्टडी पॉलीमराइजेशन इन द प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज. सो by this we complete the chemical properties of preformulation. Thank you so much.